क्राइम ब्रांच पुलिस कमिश्नर गाजियाबाद द्वारा जो है कल दिनांक 23 जुलाई को जो है साहिबाबाद थाना क्षेत्र से जो है दो अंतर्राज्यीय तस्कर जो मादक पदार्थों की तस्करी करते हैं की गिरफ्तारी की गई है, जिनके कब्जे से 5 किलो जो है अफीम बरामद हुई है, जिसकी अंतर्राज्यीय बाजार में कीमत जो है 1,25,00,000 रुपये है। दोनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। पूछताछ में अभियुक्त छोटू कुमार ने बताया कि वो झारखंड में चतरा गांव का रहने वाला है और उसका एक साथी है राजेंद्र कुमार डांगी, वो भी जो है चतरा गांव का रहने वाला है। दोनों शुरू में जो है खेती का और फर्नीचर का काम करते थे और 8वीं 9वीं तक पढ़े हुए हैं, लेकिन जिसमें मन नहीं लगा तो ये लोग जो है एक शंभु मुंडा के संपर्क में आए झारखंड में और उससे जो है ये मादक पदार्थों को प्राप्त करके जो है इसको इधर NCR बेल्ट में बदायूं बरेली मुरादाबाद में सप्लाई करते थे। इनके कब्जे से जो अफीम मिली है 5 किलो, उसकी कीमत जो है लगभग 1,25,00,000 रुपए है। और इनसे पूछताछ में ये बताया कि कैसे ये लोग करते हैं, तो ये लोग जो है ट्रेन से जो है झारखंड से माल लेते हैं और जब चलते हैं वहाँ से हैं तो मोबाइल वोबाइल बंद कर देते हैं और जब डिलीवरी देना होता है तब डिलीवरी दे के फिर मोबाइल खोलते हैं। और इधर ये लोग अभी इस समय जो है दिल्ली में जा रहे थे इसको माल को सप्लाई करने के लिए। चालू इस गिरोह में और कितने लोग शामिल हैं? इस गिरोह में इन्होंने बताया कि जो मेन शंभू मुंडा है जिससे माल ये लोग लेते थे वही बताता था कि किसको देना है, वो बंदा जो है यहाँ चांदनी चौक में उसको रिसीव करना था और तब कि ये लोग रास्ते में पकड़े गए। तो अभी जो मोबाइल मिली हुई है उससे हम लोग डिटेल निकलवा रहे हैं, आगे देखते हैं जो भी गैंग में होगा उसमें कार्रवाई की जाएगी। ये गैंग जो पिछले एक साल से मादक पदार्थों की तस्करी कर रहा था और पहली बार पकड़े गए हैं।